मेरा जो जो आगे आगे जा रहा। अरे यार तेरा मीठा गिर, आ जा आ जा बच्चे आ जा। ये देखो, और यहाँ पे जोजो का बर्तन है ना, आ जा जोजो, चलो 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 खाओ, जोजो मीठा है, खा ले थोड़ा सा, खा ले खा लो मेरे बच्चू, खा मेरे बच्चू। और पता है इसके नीचे भी है जोजो, इसके नीचे भी मीठा है, और ये देखो यहाँ तक मीठा है मीठा है, ये देखो खा ले। मैं इसको चार्ज कर लेती हूँ ना, फिर इसमें फ्लैश लाइट चलेगी। और इसने आज एक और कंघी खराब कर दी है, देखो रूट के, शाम के 8 बज रहे हैं। जोजो खा लो, खा रहा है जोजो। चलो मैं इसमें ना चार्जिंग कर, आज चार्जिंग बिल्कुल ही खत्म हो गई थी इसकी। मतलब जय माता दी जी, राम राम, कैसे हैं आप सभी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे अपने अपने घरों में। तो ये तो आप देख ही रहे हो कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं निकाल रही हूँ मक्खन, और शाम का टाइम है यहाँ पे, ये शाम का कि सुबह का पता नहीं, ध्यान नहीं रहा। और पता है हमारे जो आप सोचते हो ना कि मैं मक्खन निकालती हूँ बहुत सारा घी होगा तो हमारे ना क्या करते हैं ना कि मक्खन ज़्यादा पसंद करते हैं, घी तक नौबत नहीं आती। वो कहते हैं कि मक्खन ठीक होता है, घी कई बार वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देता है या कुछ भी। तो हम सभी लोग ना ज़्यादातर वो पसंद करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मक्खन। तो ये ख़त्म हो जाता है, घी तक बारी नहीं आती, घी तो थोड़ा बहुत बनता है, वो मक्खन पहले पहले ही ख़त्म हो जाता है। सभी खाते हैं हम, तो ये मत सोचना कि बहुत सारा घी होता होगा। और पता है ठंड में बड़ा मुश्किल होता है मक्खन निकालना, हाथों में जम जाता है। और ये मशीन है मक्खन निकालने की, तो आप लोगों ने पिछले 2 दिन वीडियो को बहुत प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो चलिए अभी चलते हैं घास को, सुबह का टाइम था है। जी गुड मॉर्निंग, जय माता दी। शाम के बाद मैं आपसे मिल रही हूँ डायरेक्ट सुबह, और शाम को फिर खाना खा के, खाना तुम खा के आए थे पर घर को भी दे दी थी ना। और अभी हो रहा है सुबह का, कैमरा नहीं साफ है, तो अभी जो है सुबह का टाइम है, कितने बज रहे हैं, 8 बज गए। और देखो हम 8 बजे दराटी दू जी, अच्छा ठीक है। तो अभी हम घास लेके आ गए हैं, और हम ना ग्वाणी से ही आगे थे, ग्वाणी मतलब काउशेड से ही आगे थे, हम घर नहीं गए, हमने कोई चाय नहीं पी अभी। तो अभी 8 बज गए, बच्चे स्कूल जाने, मैंने खाना बनाना, ये चले जाने सीधे पार्क को, और मैं जा रही हूँ घर, ठीक है। उनको चाय बना देती हूँ, देखो हमारा जो जो साथ साथ में दौड़ रहा है, देख देख के देख रहा पीछे पीछे, जो जो आने चलो बच्चे, ना ना आओ पीछे चलो तू, ये देखो अभी ये चल जाएंगे पार्क को सीधे। साथ चलो तो आगे चलो, ये देखो ना, ये ओ इसको पता भी उन्हें जाना पूछू छू छू ले गया कहने। और ये देखो जो जो जा रहा है इनके साथ, माँ के देखा करो, हाँ ये तो पटेरा बुरा मानो, देख देख ये तो पटेरा बुरा मानो, अभी ये कौन पायरा हम आके, ये देखो इसके गले में जो पट्टा डाला, ये देखो धूप कहाँ तक आ गई है, चलो चलो चलो। ये देखो अभी मैं जा रही हूँ घर को, ये रोड गया हमारा, और यहाँ से ये रास्ता देखो, अभी पीछे जब मंदिर में प्रोग्राम था ना तो उस टाइम ये रास्ता बनाया था पौड़ियों वाला ना, पहले कितना गंदा सा रास्ता होता था, अब ठीक हो गया है। जय हो माता रानी। तो चलो ये देखो अभी लाइटें वैसी लगी हैं माँ के मंदिर में, उसी तरह की,
और मुझसे, हाँ मुझसे बोला था किसी ने कि नैना देवी मंदिर जाना आप, तो मैं जाऊंगी जरूर, वहां का वीडियो भी आपको दिखाऊंगी। ये देखो, जय हो माता रानी, जय हो महामाई, सबको आशीर्वाद देना। और यहाँ पे देखो कितने प्यारे प्यारे से फूल हैं, को फूल। मैं घर को जा रही हूँ, ये पानी वाला एरिया बहुत साफ सुथरा सा, सुबह का टाइम है, ठंड बहुत ज्यादा है, तो नजदीक से ये पानी दिखाती हूँ, इतना साफ सुथरा पानी है ना। एक जैसे शीशा आई है, देखो आप इसमें देख सकते हैं पेड़ों की छाया, पेड़ों की परछाइयाँ। आजकल पानी हमारे, ये पानी ऐसा ही रहता है हमेशा। तो चलो चलते हैं सीधा घर। और तो ये देखिए यहाँ पे शाम का टाइम है अभी, मैंने 2-3 बार की वीडियो शेयर की, सुबह शाम की फिर शाम की। तो अभी मैं कौशल जा रही थी, सनसेट का बहुत प्यारा नज़ारा यहाँ पे दिख रहा था। तो ये देखिए सूर्य छुप रहा था। अभी शाम के 5:15 हो गए, आज मैं लेट हो गई कौशल जाने में, पता है आज मैं सारा दिन नहीं सोई। मैं चली गई थी घड़ागू, वहाँ से सामान लाया, थोड़ा सा कुछ मतलब नहीं था, ख़त्म हो गया था। और हाँ एक और बात, तो अब मैंने ये सूट ना घर पे लगा दिया, बहुत प्यारा सूट है, पर पता है इसमें थोड़ी सी वो आ गई, वो कढ़ाई इसकी ना छिचकने लग गई। छिचकने का मतलब अब रुको मैं हिंदी में बताती हूँ आपको। अब हिंदी में ना पता कुछ वर्ड ऐसे होते हैं ना जिनको, जो अपनी भाषा में तो हम बड़ी आसानी से बोल लेते हैं, जब हिंदी की बारी आती है तो हम अटक जाते हैं, तो समझ नहीं आता कि क्या बोलें, है ना। तो मतलब उधड़ सा गया है एक जगह से ना इसकी कढ़ाई से। और अदरवाइज बहुत प्यारा सूट है सच्ची में, बहुत सुंदर सूट लगा, मैं काफ़ी लेके गई मैं इसको इधर उधर, तो ये बहुत प्यारा सूट है। और चलो अभी मैं पारी मिलती हूँ आपसे, मैंने कुछ और भी बोलना था, मुझे ध्यान नहीं रहा, अब पता नहीं क्या बोलना था, भूल गई, बस आ गई और मैं लेट हो गई आज। गाय अभी अंदर बांध नहीं, आज और कुछ काम नहीं होगा, लहसुन को पानी भी नहीं दिया जाएगा मुझे नहीं लगता। तो चलो नीचे रिटायरमेंट है आज हमारे, मैं कौशल से आ गई थी, जाते जाते की थी आप लोगों से बात, और फिर आ गई मैं सीधी घर पर। मैंने कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि बहुत ज्यादा अंधेरा हो रहा था, और सिर में आज बहुत दर्द हो रही है, पता है मैंने कल सब्जी खाई, बताया था मैंने आपको, बता चुकी हूँ मैं एक बार। तो अभी मैंने ना फिर मूंगी की दाल बनाई आज की, आज अच्छा सा खाएंगे। ओ चुप 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 चुप, जब बात करने लगती हूँ ना तब लगते हैं ये बातें करने। और आज मूंगी की दाल बनाई थी मैंने, कि मतलब आज हम कुछ हल्का फुल्का खाएंगे, और जो जिससे मतलब वो मतलब काफी दिन खाते हैं ना वो धाम की सब्जियां, वो अच्छी नहीं होती ज्यादा दिन खाते जब। तो यहाँ पे मैंने तेल रख दिया है आधा, और वो पीस दिया है, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कि ये तेल गर्म हो चुका है। एक प्याज हम इसको काटूंगी, अदरक और हरी लाल मिर्च। तो ये देखिए जल गया, ये डाल दिया, ये पतली है ना कढ़ाई, और ये डाल दिया मैंने चौक बना देते, ये देखिए दिख रहा है ना जल गया तेल मतलब एकदम से ना। तो ये डाल दिया मैंने ये, और अभी हम डालेंगे इसमें प्याज, बड़े दिनों बाद प्याज काटा आज, बहुत दिनों बाद। तो और ये देखो अभी इसमें डालते हैं हम दरड़ा, अभी डाल दूंगी मैं इसमें मूंगी की दाल जो मैंने रखी है उबाल के। तो ये देखिए बन गई हमारी मूंगी की दाल, डली हुई मूंगी की, मुझे बहुत टेस्टी लगती है, निरोगी भी होती है। हमारे ना ये दाल बहुत देते हैं उस टाइम जब बच्चा पैदा होता है ना, तो उस टाइम
चल गया थोड़ा थोड़ा सा प्याज। तो दाल हमारी बन गई और अभी हनी के पापा गए हैं आज हमारे यहाँ नीचे निचले गांव में, रिटायरमेंट है, मैं नहीं गई। हाँ सुनोगे विजय, बाहर ना वो उन्होंने डीजे लगाया है शायद, ऊंचे ऊंचे सुनाई दे रही आवाजें, तो मैं नहीं गई। और क्यों नहीं गई, क्योंकि मैं ना अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहती कि मैं बीमार हो जाऊं, इस तरह का मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। मुझे खट्टे खट्टे डकार लगे थे वो, मतलब उस वजह से। तो चलो मैं आपको गाना सुनाती हूँ जो नीचे बज रहा था ना अभी, तो मेरे को ध्यान आया कि मैं आप लोगों को सुना देती हूँ, बहुत से लोगों ने सुना होगा। और हिमाचली बोली में बहुत प्यारा गाना है, और मैं थोड़ा सा आपको उसके ना स्टेप भी करके बताऊंगी। खाना बनाते बनाते डांस, पता क्या है, जब भी आप, मैंने कहा ना खुशियां कोई नहीं देता हमारे को, जब आपका मन खुश है ना तो नाचो गाओ खाओ जो आपका दिल करता है, पहनो जो आपका मन करता है, ठीक है। हाँ दो तीन चीजों से बच के, एक तो अपनी मर्यादा में, मर्यादा का मतलब आप समझ रहे हैं बहुत अच्छी तरह से, कि ऐसे बेफालतू का किसी से बातें या किसी की बुराइयां इस तरह से वो नहीं करने चाहिए, बाकी नाचने गाने खाने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। तो चलो मैं आपको सुनाती हूँ गाना। बेलो को मैं पहाड़ी बंदा, 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 अमत मेरी कुछ नहीं बोल दी, अमत मेरी कुछ नहीं बोल दी, ओ बापू लगाई दिता जंदा, बेलो को मैं पहाड़ी बंदा, बेलो को मैं पहाड़ी बंदा, बेलो को मैं पहाड़ी बंदा, बेलो को मैं पहाड़ी बंदा। नहीं ऐसे नहीं गाते इसका अंतरा, मैं एक दूसरी उससे सुनाती हूँ। हाँ ताऊए मेरे ने महल बनाया, ताऊए मेरे ने महल बनाया, वो ताइये लगाई दिता जंदा, बेलो को मैं पहाड़ी बंदा, बेलो को मैं पहाड़ी बंदा, बेलो को मैं पहाड़ी बंदा। पाइये रा मेरे रा रिश्ता जे लगेया, पाइये रे मेरे रा रिश्ता जे लगेया, वो पाबिया देखी हुई गा मुंदा, बेलो को मैं हाँ नहीं बोल रहा, गलत गा रहे हैं। दुनिया तो मेरे बारे बड़ा कुछ बोल दी, दुनिया तो मेरे बारे बड़ा कुछ बोल दी, वो मेरा तो कुछ पनी जांदा, बेलो को मैं पहाड़ी बंदा, बेलो को मैं पहाड़ी बंदा, बेलो को मैं पहाड़ी बंदा, बेलो को मैं पहाड़ी बंदा। तो चलो अभी दाल होगी और बहुत हो गया नाच गाना, तो ऐसे गा दिया मैंने, वैसे मेरे को पूरा आता है ना, पर मैंने अभी सुना नहीं था, अभी मैंने दो चार ही बोल सुने थे। और आज खत्म हो गया हमारा किचन किंग मसाला बिल्कुल, मैं फिर से लाऊंगी इसको। तो चलो अभी मैं चावल डाल लेती हूँ ना, फिर करती हूँ आप लोगों से बातें।